तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने डॉग को रोल ओवर सिखा रहा हूँ, आज उसका दूसरा दिन है रोल ओवर सीखने का। और जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो देखता हूँ कि अरे इसको इसकी दोस्त मिल गई, इसका नाम काली तो बिल्कुल नहीं था। और जैसे ये टॉयलेट कर लेता है, इसके खेलने की बारी आती है, मैं इसको पत्थर उठाता हूँ, और जैसे ही मैं उठाता हूँ ये मेरे पर हमेशा हमला करने की कोशिश करता है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे मैं पत्थर फेंकता हूँ ये ऐसे ठुमक ठुमक के पता नहीं क्यों ऐसे आता है, और मैं इसको ट्रीट दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि पत्थर दे ट्रीट ले ले, लेकिन ये पत्थर फिर भी नहीं देता। फिर मैं इसको रोल ओवर की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता हूँ, और जैसे मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये अपने हाथ अड़ा देता है, मेरे को हाथ पूरा घुमाना नहीं देता। जैसे मैं इसको थोड़ा सा धमकाने लग जाता हूँ कि हाथ मत अड़ा, ये दिखता दूसरा कोई वहाँ पे एक बंदा आया होता है उसके पीछे भाग जाता है। फिर मैं उसको थोड़ा सा कैसे लेकर के वापस बुलाता हूँ, उसकी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करता हूँ, और अभी काफ़ी स्मूथली रोल ओवर करने लग जाता है, और इसकी ट्रेनिंग अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे पास ट्रीट खत्म हो जाती है इसको देने के लिए, तो जैसे ही मेरी ट्रीट खत्म होती है ये दूसरे कुत्तों के पीछे भागने लग जाता है, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है, बड़ा ही पॉलिटिकल बंदा है। और जैसे ही मैं स्पाइक को दूसरे कुत्तों के पीछे भागने से मना करता हूँ, स्पाइक ये कांड कर देता है, और इस नस हिला देने वाले दृश्य को देखने के बाद जब मैं इसको डांट रहा होता हूँ तो ये मेरे को उल्टा डांट देता है, और उस लड़के को भी गाली देने जा रहा होता है। मतलब ये कैसा टॉक्सिक कुत्ता पाल रहा हूँ मैं। तो जैसे ही वो लड़का बच के निकल रहा होता है मैं इसको वापस खिलाने लग जाता हूँ हैशटैग पत्थर, और जैसे ये पत्थर के साथ बैठा होता है ये देखता है वो लड़का भाग रहा है और उसके पीछे भागने लग जाता है। इस तरीके से देख लो, मुझे पक्का पता है इस एनकाउंटर के बाद इस लड़के की हेल्थ बहुत अच्छी होगी होगी और हार्ट अटैक से मृत्यु के चांसेस कम है इसके। एनी हाउ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डाउन प्रॉपर डाउन।